नमस्कार, NIOS के D.El.Ed पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं निरंजन सहाय, प्रोफेसर हिंदी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग पाठ्यक्रम संख्या 503, ब्लॉक 1, इकाई 2, अर्थात भारत में शास्त्रीय भाषाएं विषय पर बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। नमस्कार। आप प्राचार्य हैं मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर, वैशाली, बिहार। डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी शिक्षा की दुनिया में एक जाने माने नाम हैं। अनेक राज्यों तथा केंद्र की शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रमों में आपकी लंबे अरसे से दिलचस्पी रही है और नीति निर्माताओं से लेकर पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु और अनेक विषयों पर आपकी दक्ष भूमिका से इन संस्थाओं को फायदा मिलता रहा है। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। भाषाओं के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तब आम तौर पर हम लोग राजभाषा की बात करते हैं, राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, आठवीं अनुसूची की भाषा के बारे में बातचीत करते हैं, पर यह जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इसका क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए कि शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं। दरअसल भारत में जो प्राचीन भाषाएं हैं, भारत एक प्राचीन देश है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे पास भाषाएं भी कई ऐसी भाषाएं हैं जो प्राचीन काल से हमारे बड़ों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बरती जाती रही है, या इन भाषाओं में से ही कई तरह की अन्य भाषाओं का फिर विकास हुआ या उससे भाषाएं विकसित हुई और अन्य भाषाएं बनी। लेकिन आज हम जिस शास्त्रीय भाषा को एक परिधि में बांध कर देख रहे हैं वो वास्तव में भारतीय संविधान की परिधि है, जिसमें हम कुछ भाषाओं को राजभाषा, कुछ को आठवीं अनुसूची की भाषा और कुछ को शास्त्रीय भाषा मानते हैं। और शास्त्रीय भाषाओं से तात्पर्य उन भाषाओं से है जिसका एक लंबा इतिहास हो, स्वतंत्र व्याकरणिक परंपरा हो और मौलिक साहित्य भंडार हो। तीन बातें मुख्य रूप से हमें समझनी चाहिए शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में। ये आधार मतलब भारत सरकार के सब का आधार है, जिस आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा हम ठहराते हैं, कि लंबा इतिहास हो। लंबा इतिहास का मतलब हुआ कि एक हमारी परंपरा की भाषा हो, हमारी रिवायत विरासत की भाषा हो, लंबे समय से, कम से कम 1500, हाँ कम से कम 1500 से 2000 वर्षों का जिसके पास इतिहास हो, बिल्कुल ठीक बात है। स्वतंत्र व्याकरणिक परंपरा हो, मतलब व्याकरण की अपनी परंपरा हो, जिसको कहते हैं उस भाषा की का अपना व्याकरण हो, और मौलिक साहित्य भंडार हो, खूब लिखा गया हो इसमें जी, मतलब मौलिक रचनाएं इसमें रही हों, अनुदित रचनाओं वाले साहित्य को इससे अलग करके हम देखें। तो ये तीन मतलब मुख्य बिंदु हो गए जिसके आधार पर हम शास्त्रीय भाषाओं का निर्धारण करते हैं। दुनिया के विभिन्न समाजों में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत रही है, ये हम और आप सब जानते हैं, जैसे भारत में संस्कृत, तमिल, इंग्लैंड में लैटिन, मध्य एशिया में अरबी इत्यादि। और भारत के संदर्भ में ये जो दो भाषाएं हमारी हैं, संस्कृत और तमिल, इनका जो एक समृद्ध इतिहास रहा है और जो परंपराएं रही हैं वो इन्हें शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में बिना किसी हिचक के शामिल करने को एक तरह से विवश भी करती हैं, और ये उनका हक भी है कि वो शास्त्रीय भाषाओं में अपना स्थान बनाएं या शामिल हो। भारत सरकार ने जो परिधि निर्मित की है, जो बनाई है, उसके जो आधार हैं वो मुख्य रूप से हैं, भारत सरकार ने किसी भाषा को शास्त्रीय मानने और घोषित करने के लिए कतिपय नियमों का निर्धारण किया है जी, जिन पर एक नज़र डालना मुनासिब होगा। हम ये भी जानें कि भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि D.El.Ed O.D.L. के इस पाठ्यक्रम में जो सरकारी प्रावधान हैं उन्हें भी जानने समझने की आवश्यकता है और इसे में जानना चाहिए, तो शास्त्रीय भाषाओं के लिए भी भारत सरकार ने कुछ प्रावधान तय किए हैं, निर्धारित किए हैं। जो भाषाएं इन नियमों के निकस पर खरी उतरेंगी या उतरती हैं उन्हीं भाषाओं को इस श्रेणी में स्थान दिया जाता है। अब ये निकस क्या हैं, शास्त्रीय भाषाओं के मापदंड
क्या निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में जिन मापदंडों का निर्धारण किया है वे हैं, उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास ऑब्लिक लिखित ग्रंथ हो। जी यहाँ मामला फिर लिखित कहा गया। जी मतलब मौखिक परंपरा वाली बात यहाँ नहीं है, यानी लिखित इतिहास या लिखित ग्रंथ हो, इतिहास न हो तो लिखित ग्रंथ जरूर हो, उसका एक प्राचीन साहित्य ग्रंथ हो जिसे कि उस भाषा को बरतने वाले एक बहुमूल्य विरासत मानते हैं, यानी किसी एक साहित्य से या किसी एक ऐसी साहित्य कृति से बाद के लोग भी अपने को एसोसिएट करके देखते हैं, जी, अपने आप को का संबंध उससे उस विरासत का हिस्सा, उस विरासत का हिस्सा मानते हैं, और आप कह सकते हैं कि मतलब साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को उनका वंशज मानने में लोगों को दिलचस्पी है और फख्र या खुशी का एहसास होता है। इसलिए शास्त्रीय भाषा की जो स्थिति है उसमें उस भाषा की साहित्य परंपरा मौलिक हो, न कि किसी अन्य भाषिक समुदाय से उधार ली हुई हो। यहाँ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भाषिक समुदाय से, यानी समुदाय जो हैं वो भाषाओं के आधार पर बटे हुए रहे होंगे। यदि हम प्राचीन भारत को ही देखें तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, ये सब सभी भाषाएं लगभग एक साथ अलग अलग स्थानों पर, और एक स्थान पर भी कई भाषाएं, जैसे पाली प्राकृत तो एक स्थान पर ही खूब बोली गई, बरती गई, और दो विभिन्न मशहूर जो संप्रदाय थे बौद्ध और जैन, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में एक ही भूखंड पर अलग अलग भाषाओं में वहाँ के लोगों के साथ अपनी बातचीत, अपना संवाद कायम रखा। तो यह उस भाषा की के पास अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा हो। सारा बौद्ध साहित्य पाली बाद के दिनों में संस्कृत, पहले तो सारा बौद्ध साहित्य पाली। जी जैन साहित्य में एक बड़ा हिस्सा प्राकृत। तो सरकार इस तरह के निर्णयों में साहित्य अकेदमी जैसी संस्थाओं से अकादमिक सलाह लेकर नीतिगत फैसला करती है। अब तक जो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जिन भाषाओं को मिला है तो मौजूदा स्वरूप जो है उसके अनुसार शास्त्रीय भाषाओं के राज्य स्वीकृति की कहानी थोड़ी दिलचस्प है, इसको भी जान लेना चाहिए। जी जी यह कहानी आज़ादी के ठीक बाद उस समय शुरू हुई जब संविधान सभा में संस्कृत वोटों के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी। आप जानते हैं कि बोलने बरतने वाले लोगों का प्रतिशत कम था, तो इसलिए हालांकि कुछ लोग तब भी चाहते थे कि संस्कृत जो है वो राजभाषा बने, लेकिन बोलने वालों की संख्या की कमी के कारण शायद ऐसा निर्णय लिया होगा हमारे बड़ों ने। तो संविधान सभा में संस्कृत वोटों के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी, फिर अनुच्छेद 351 के तहत उसे विशेष भाषा का दर्जा दिया गया। यह वही अनुच्छेद है, आपको याद होगा, जिसके तहत हिंदी के प्रचार प्रसार को के लिए भी काम करना था। जी ये 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार की भी बात कही गई है, और वहीं संस्कृत को विशेष भाषा का दर्जा भी दिया गया है। संविधान सभा ने उसे इसलिए खास माना क्योंकि हिंदी सहित अनेक भाषाओं के निर्माण और विकास में उसकी उल्लेखनीय भूमिका थी। संस्कृत को भारत की कई भाषाओं की जननी के रूप में देखा जाता रहा है, और संविधान सभा ने इस भावना का सम्मान भी किया 351 में संस्कृत को यह स्थान देके। शास्त्रीय भाषा के अब तक के इतिहास में 20वीं सदी का उत्तरार्ध वह उल्लेखनीय मोड़ है जिसमें उस दौर के अनेक विद्वानों ने संगम काल की तमिल कविताओं के आधार पर तमिल को भी विशेष दर्जा देने की मांग शुरू की। संस्कृत को जो 351 में दर्जा प्राप्त था, ये ठीक बात है कि संगम काल में जो रचना का जो मतलब उत्कर्ष दिखाई देता है तमिल संगम में वह बेहतरीन है, और वह भी हमारी प्राचीन भारत की विरासत है जिसे याद रखना और अपनी भाषाई अस्मिता का हिस्सा हमें मानना चाहिए। तो उस समय तमिल कविताओं के आधार पर तमिल को भी विशेष दर्जा देने की मांग शुरू हुई थी। उसी समय इस सूची में शामिल होने की अर्हताओं का निर्धारण हुआ जिसकी ऊपर हमने चर्चा की है। तो ये जो 1500 से 2000 वाला अपनी विरासत हो, व्याकरणिक परंपरा हो, ये सब तब शुरू हुआ जब तमिल ने अपना हक मांगा और कहा कि नहीं, हमें भी विशेष दर्जा मिलना चाहिए और शास्त्रीय भाषा के रूप में हमें भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब
यह जान लेना भी तथ्यात्मक रूप से आवश्यक है हमारे लिए कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारे पास। तो जून 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, 2013 में मलयालम शास्त्रीय भाषा सूची में शामिल हुई और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तो इस तरह से हम देखें तो दक्षिण के की जो चार भाषाएं हैं हमारी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, आज की तिथि में ये चारों ही शास्त्रीय भाषाएं हैं और संस्कृत के साथ उड़िया भी इस सूची में शामिल है। जी, जो शास्त्रीय भाषाओं का यह जो स्वरूप है इसे जानने और समझने के साथ साथ इनके अवदानों को भी हम लोग अलग से जानेंगे, अलग से इस पर चर्चा करेंगे जब शास्त्रीय भाषाओं की जो भूमिका है या जो उनका योगदान है भारत के संदर्भ में या भारत की के भाषिक परंपरा विकास में। यह एक अलग बिंदु है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जी अच्छा, यह बताइए कि जो हमारी शिक्षा की परंपरा है, अधिगम की परंपरा है, या शिक्षा का जो माहौल है, अधिगम का जो माहौल है, या जो पाठ्यक्रम है, शास्त्रीय भाषाओं से उनका रिश्ता कैसे बनता है? देखिए, जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है या जो हमारी शैक्षिक परंपराएं हैं, एक तो भारतीय शिक्षा के इतिहास को भी आप समझने जानने की कोशिश करेंगे तो इसके तीन भाग बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं और तीन कालखंड के हिसाब से तीन अलग अलग प्रवृत्तियाँ तो अलग अलग हैं और कई हैं, लेकिन तीन अलग अलग मुख्य प्रवृत्तियों को यदि आप दर्ज करना चाहें शिक्षाई प्रवृत्तियों को, तो उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यह जो तीन अलग अलग खंड हैं, इसमें प्राचीन भारत और मध्यकाल की शिक्षा की जब भी हम बात करेंगे तो हमें शास्त्रीय भाषाओं की समझ बनानी ही पड़ेगी या जानना ही होगा हमें। जी, इसलिए कि जब आप बात करेंगे प्राचीन काल में जो तीन अलग अलग शिक्षा की धाराएं हैं हमारी, बल्कि तीन नहीं चार कहिए, मैं तो पांच कहता हूं। जी, कि ये पांच धाराएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारी शिक्षा के इतिहास की किताबों ने कभी भी इन धाराओं को अपना नहीं माना। जी, जैसे हम ये मानते ही नहीं हैं कि शिक्षा, भारत की शिक्षा हड़प्पा काल से या सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है, बहुत पुराना, और उसके कई चिन्ह आज भी अब तक आपके जीवन में मौजूद थे, आज भी हैं। जी, चाहे 16 का गुनज हो, ढकी हुई नालियां हों, पकी हुई ईंटें हों, बच्चों के खिलौने हों, मुख्य मार्ग की ओर मुख्य दरवाजे का न खुलना हो, नर्तकी की वो प्रतिमा हो, मूर्ति हो, और कांसे का प्रयोग हो जो तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है, लेकिन वहाँ की भाषा का चूंकि हमें पता नहीं चला, उनकी मोहरों पर जो भाषा उत्कीर्ण है जो है उसे पढ़ा नहीं जा सका है अब तक। जी, जी, तो ऐसे में हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता को हम शिक्षा के इतिहास में शामिल नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपनिषदीय काल की बात करते हैं, प्राचीन भारत की इन परंपराओं की बात करते हैं, तो वैदिक शिक्षा, उपनिषदीय शिक्षा और फिर बौद्ध शिक्षा, जैन शिक्षा, संगम शिक्षा, इसकी बात हमें करनी चाहिए। जैसे ही आप इन सभी शिक्षा के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे एक काल विशेष में, तो बड़े ही यह जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इन सब का रिश्ता अलग अलग भाषाओं के साथ है। तो ये, और ये आज सब की सब हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं आज की तिथि में। जैसे संगम शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो उनका संबंध तमिल भाषा से है, हम बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं तो यह पाली से है क्योंकि वहाँ तो पवज्जा संस्कार है, प्रवज्जा जिसे हम बाद में कह दे त्रिपिटक साहित्य है, पवज्जा है, मतलब वह संस्कार जिसके बाद आप पढ़ने के लिए जाते थे। जी, जो उपनयन है संस्कृत साहित्य के अनुसार, जो उपनयन है वही वहाँ का पवज्जा है, और इस्लाम धर्म के अनुसार वह बिस्मिल्लाह है, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करने के। तो इनका संबंध भिन्न शास्त्रीय भाषाओं से रहा है इन सभी शिक्षाओं का, जैसे हम चर्चा अभी कर रहे थे। संस्कृत साहित्य के साथ एक सुविधा ये रही है कि संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष की भाषा के रूप में ठीक वैसी ही नहीं रही है एक लंबे समय तक इस देश में, जैसी स्थिति कमोबेश आज हिंदी की है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी किसी क्षेत्र विशेष में ही केवल बोली समझी जाती है,
वैसे ही संस्कृत भी बाद के दिनों में बहुत सारे साहित्य संस्कृत में लिखे जाने लगे और बौद्ध और जैन साहित्य भी संस्कृत में लिखे जाने लगे। तो संस्कृत का जो भूगोल था वो बड़ा भूगोल था और संस्कृत में हमारी जो शिक्षाई परंपरा है उसकी ज़्यादा सूचना आपको मिलेगी। जैसे यदि आप वैदिक शिक्षा को लें, गुरुकुल पद्धति को लें, या अंत तक अंग्रेज जब नाश कर रहे थे हमारा, तब भी जो हमारी चतुष्पदी जी जी टोल घटिका चारण जैसी परंपराएं बची हुई थी, ये उस संस्कृत शिक्षा की देन थी जिसका जुड़ाव संस्कृत भाषा के साथ था। तो जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनका शिक्षा के साथ, बल्कि शिक्षा को एक भाषा की आवश्यकता बराबर से रही है और जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जिन भाषाओं ने योगदान दिया वो शास्त्रीय भाषाएं थी, यह मानने से हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। NCERT ने भाषाओं पर आधारित अपने आधार पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्ज की है। वहाँ लिखा हुआ है, इस दस्तावेज ने हमें बताया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था बहुत सारी शास्त्रीय भाषाओं के प्रति हमेशा से ही उदार रही है, जिसमें तमिल, लैटिन, अरबी और संस्कृत शामिल है। हालांकि उदार रहने का तात्पर्य है कि जब हम आधुनिक भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तब उदारता की बात करते हैं। एक समय में भारतीय शिक्षा की जो संवाहिका रही हो उसके प्रति उस काल में उदारता क्या हो सकती है। इसलिए आज जो भारतीय शिक्षा परंपरा है, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा परंपरा है, वह कहती है कि हमें इन भाषाओं के प्रति उदार रहना चाहिए। वास्तव में इन भाषाओं में भी संस्कृत को सबसे अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, जैसी अभी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था। इस संदर्भ में देश के पहले प्रधानमंत्री के कुछ वाक्य हमें याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा था कि संस्कृत भाषा और साहित्य भारत का सबसे बड़ा खजाना है और वे यह भी विश्वास करते हैं कि भारत की बौद्धिकता तब तक बनी रहेगी जब तक ये हमारे भारतीय लोगों के जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। मतलब संस्कृत और संस्कृत साहित्य को इस रूप में उन्होंने देखा कि जो हम लोग कहते हैं कि भारत की संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है, अपने दूसरे शब्दों में एक तरह से देश के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भी उसे उसी नज़रिए से देखा है और रेखांकित किया है कि ये हमारी बौद्धिकता की, मतलब भारत की बौद्धिकता की ताकत है, शक्ति है, क्योंकि इसी में हम और हमारे पूर्वज आकार ग्रहण करते हैं या जी जी आज भी बहुत हमारे बहुत सारे संस्कार उसी भाषा में संपन्न जी 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 जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जनतांत्रिककरण की जो प्रक्रिया होती है किसी लोकतंत्र में, जनतंत्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, भाषा उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। तो जनतंत्र बनने या बनाने की प्रक्रिया, यानी जनतांत्रिककरण की प्रक्रिया और शास्त्रीय भाषाओं का क्या रिश्ता है? देखिए, एक तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र तीन अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग कालखंड में याद करते हैं तंत्र को, तो हम बराबर भूल जाते हैं। और मैं चूंकि मेरी कर्मभूमि है वैशाली, इसलिए मैं नहीं भूल सकता कि वह भी एक क्या, मतलब दुनिया का ज्ञात इतिहास यदि ठीक से व्याख्या पाता है तो वो पहला गणतंत्र है जी। वैशाली जिसे हम कहते हैं, और वहाँ की भाषा तो आप जानते हैं कि उस समय पाली ही थी, तो इसलिए उस गणतंत्र की भाषा तो शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में, आज हम उसको भले ही शामिल न करें पाली को, लेकिन पाली प्राकृत भी एक संस्कार की या शिक्षा की भाषा रही हैं और प्राचीन काल से जनतंत्र की भाषा रही हैं। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था का जनतांत्रिकरण और शास्त्रीय भाषाओं का रिश्ता है, वो दुनिया भर में जटिल सामाजिक संरचनाओं के कारण शास्त्रीय भाषाएं विशिष्टों के संरक्षण में रहीं, जैसे लैटिन और संस्कृत। मतलब आप कह सकते हैं कि ये भाषाएँ राजाश्रय रही हैं एक तरह से जी, मतलब राज सम्भ्रांत लोगों की भाषा रही है। हालांकि इस पर भी बहुत संरक्षण की भाषा रही उनके, हाँ, मतलब संरक्षण में इनका विकास हुआ जी जी, कहा यह गया। ऐसा तो कहीं कोई इतिहास मिलता नहीं है भाषा का जितना अध्ययन मैंने किया है कि लैटिन या संस्कृत का जन्म
किसी राज परिवार में हुआ। बिल्कुल नहीं जी, जी। तो ये बाद के दिनों में भले ही ग्रहण कर ली गई हो, स्वीकार कर ली गई हो उन वर्गों के द्वारा जिन्हें हम प्रभु वर्ग या जैसे आधुनिक राज्य अपनी भाषाओं के समृद्धि और विकास के लिए बहुत सारे काम करता है, पर वो भाषा पैदा तो हुई है लोगों के बीच ही। हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि आज यहाँ भारत के संदर्भ में जो प्रभु वर्ग की भाषा है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी तो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई, सब जानते हैं। जी जी, अंग्रेजी किनकी भाषा थी ये भी जानते हैं। अंग्रेजी तो उन मेहनत कश लोगों की भाषा थी जिसने लैटिन को एक तरह से अपदस्थ किया। जी, लेकिन एक जगह की भाषा जिसने एक प्रभु मतलब प्रभुत्वशाली भाषा को अपदस्थ किया, वहीं दूसरे जगह प्रभुता संपन्न लोगों की भाषा हो सकती है। तो शिक्षा व्यवस्था की यह जो जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया है, इसमें एक भाषा का स्वरूप एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ और हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक पक्ष यह भी है, तो ऐसे में भारतीय भाषाओं पर जो आधार पत्र है NCF 2005 का, उसे एक बार हमें फिर याद करना चाहिए। और उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद भी रखनी चाहिए इसे, कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के जनतांत्रिकरण से उन लोगों को भी संस्कृत पढ़ने का अवसर मिला जो वर्षों से इससे दूर रखे गए थे। तो भारत में जब जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, अब है क्या कि आपके पास जो उपलब्ध होगा आप उसी में शामिल होना चाहिएगा। बुद्ध ने कहा था कि जो ऋणी है और जो शरीर का कोई अंग जिसके पास नहीं है उसके लिए विहार के दरवाजे बंद हैं। बुद्ध ने भी कहा, माना था कि हमारे यहाँ आज के जो दिव्यांग हैं उनके लिए तो बुद्ध ने भी रास्ता बंद कर दिया था। तो बुद्ध से लेकर अभी तक लगभग 2500-3000 साल लगे तब दिव्यांगों को वह समावेशी शिक्षा के दायरे में शामिल होने का मौका मिला है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें एक दिन में ही बन गई और एक दिन में ही बिगड़ गई। तो इसलिए संस्कृत के पास जो परंपरा थी शिक्षा देने लेने की ग्रहण करने की, तो वह दूसरे लोगों के लिए भी खोली गई। उसके द्वार जब दूसरों के लिए खोले गए तो लोग वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने उसको ग्रहण किया। जैसे आज ही आप देख लें कि जो अंग्रेजी की शिक्षा है, अब वो क्या है, आप नहीं कह सकते कि उस पर एक ही वर्ग का कब्जा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस पर नगरों का अभी भी कब्जा है। नगर का वर्ग वह होता है चाहे संभ्रांत हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके बच्चों के हिस्से तथाकथित ऐसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जरूर आ गए हैं। अब तो छोटी छोटी जगहों पर भी है, लेकिन अभी भी उन स्थानों पर इसका कब्जा कम हुआ है। तो पहले हम जरा NCF की उन पंक्तियों की ओर ध्यान दें। उनका कहना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के जनतांत्रिकरण से उन लोगों को संस्कृत पढ़ने का अवसर मिला जो वर्षों से इससे दूर रखे गए थे। संस्कृत की भाषिक सौंदर्य आत्मकता और वैचारिक परंपरा ने नए क्षितिजों को खोला। जो था संस्कृत के पास उसको एक तरह से एक नया वितान मिला, सबके एक नया पाठक वर्ग मिला जो अपने संदर्भ के हिसाब से उसको देख सकता था, उसकी व्याख्या कर सकता था। और एक जो रूढ़ ठप्पा हमने लगा दिया था संस्कृत पर कि संस्कृत तो सिर्फ धर्म की भाषा है और इसमें धर्म ही व्याख्यायित होता है, कर्मकांड की भाषा। अब कर्मकांड की भाषा है। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने भास को पढ़ा है वो कभी इस तरह का की टिप्पणी नहीं कर सकते। जी, भास ने सिर्फ धर्म की बात नहीं की है। आप कालिदास को पढ़ते हुए इस देश के भूगोल को इतनी अच्छी तरह जान जाते हैं। जब कालिदास क्या बढ़िया कहते हैं मेघ को, मेघदूतम में, उज्जैनी के छत पर कबूतर के जोड़े के साथ सो जाना यदि कोई जगह न मिले। कहते हैं कि जब तू महाकाल के ऊपर से गुजरना तो जोर से ध्वनि करना जब संध्या पूजा वहाँ हो रही हो। ये ठीक है कि बिंब तो महाकाल के पूजन का है, लेकिन एक बादल के मानवीयकरण का जो की जो शक्ति इस भाषा में है, इसे भी पहचानने की आवश्यकता है कि रामगिरी जी और अलकापुरी को कैसे जोड़ता है एक बादल, और किस तरह से बादल में बनी हुई एक छवि वप्र कीड़ा कहते हैं हाथी जिसे किसी किले को अपने दांत से उखाड़ रहा हो, परकोटे को उखाड़ने की जो कला है इसे ही हम वप्र कीड़ा कहते हैं। तो वप्र कीड़ा करने वाला वह भाव है जो यक्ष के दास के भीतर से उसको कुरेदता है अषाढ़ के पहले दिन। तो संस्कृत में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको, अब क्या है कि कई बार कुछ बातें न हम अपने नेतार्थों की समझ नहीं होने के कारण भी कर देते हैं,
और शास्त्रीय भाषाओं की कई बार व्याख्या हम ठीक ठीक नहीं कर पाते। मान लीजिए संस्कृत का एक सामान्य सा वाक्य आपके सामने रखा जाए और कहा जाए कि इसका अर्थ निकालें कि युधिष्ठिरस्य पुत्री नकुलेन सह विवाहिता सह देवेन पूजिता। तो बहुत सामान्य सा अर्थ है इसका, युधिष्ठिरस्य यानी युधिष्ठिर की पुत्री यानी बेटी, युधिष्ठिरस्य पुत्री नकुलेन सह विवाहिता, नकुल के साथ ब्याही गई, सह देवेन पूजिता, सहदेव जो उसके नकुल और सहदेव जुड़वा भाई थे, अर्थ निकाल लीजिए उत्तर भारत में यदि इसका अर्थ निकालना हो तो वह उनके द्वारा पूजी गई। तो ऐसी स्थिति में अब जब निहितार्थ है इसका कि जो युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी हिमालय, उनकी बेटी सती या पार्वती का विवाह उसके साथ हुआ जिसके कुल का पता नहीं यानी शिव, सहदेवेन पूजिता, सहार्थ तृतीया, वह अन्य देवों के साथ पूजी गई। एक तरफ तो आपने यह अर्थ लगा लिया था कि यहाँ तो भारत में चचा और भतीजी की शादी होती है और दूसरी तरफ यहाँ अलग अलग प्रतीक आपके हिस्से हैं, तो सौंदर्य बोध और जो संस्कृत है, प्रायः संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने के साथ जो समस्या जुड़ी थी वह यह थी कि इसे कर्मकांडों को या नैतिक मूल्यों को फैलाने वाली भाषा के रूप में लिया जाता रहा। इससे इसके सौंदर्य बोध को और विविध साहित्य को भी नज़रअंदाज किया गया, जो मुझे लगता है कि आज के समय में फिर से एक नए नज़रिए से संस्कृत को और संस्कृत के साहित्य को देखने की ज़रूरत है। अद्यतन शोधों ने अनेक उपेक्षित आवाज़ों को महत्वपूर्ण माना, इसने संस्कृत भाषा की अनेक परंपराओं से हमारा साक्षात्कार कराया और उन्हें संदर्भ प्रदान किया, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था। संस्कृत पठन पाठन के शिक्षा शास्त्र में इन शोधों का गहरा असर हुआ। आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में अब यह संभव हो गया है कि हम केवल शास्त्रीय संस्कृत में ही नहीं बल्कि आम बातचीत के रूप में भी संस्कृत में वह लिखें जिसकी प्रासंगिकता विद्यार्थी जीवन में हो। तो शास्त्रीय भाषाओं के इस रूप के साथ जो उनका योगदान है हमें एक नज़र उस पर भी डालनी चाहिए। भाषा शिक्षण में शास्त्रीय भाषाओं की अहम भूमिका है, जैसा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है, शास्त्रीय भाषाएं जैसे लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल और हमारे जीवन को प्रदीप्त करती हैं क्योंकि अनेक भाषाएं उनसे शब्द लेती रही हैं। मुख्य रूप से हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देना चाहेंगे, शास्त्रीय भाषा पर बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, उस पर महज आधे घंटे में हम बातचीत नहीं कर सकते और न ही उनके योगदानों पर जिनका सदियों का जिनकी परंपरा पूरा शास्त्र है उनके साथ, इसीलिए उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बिल्कुल, लोकमानस में भी और संवैधानिक स्वीकृतियों के मद्देनजर भी जी। डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी, आप पधारे और आपने शास्त्रीय भाषा जैसे गूढ़ और जटिल विषय पर अत्यंत सरल शब्दों में अपनी बात रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सभी को भी इससे लाभ पहुँचेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप। नमस्कार। नमस्कार।